તો દિલીપ સંઘાણી ધારી બેઠકના પ્રચાર માટે ભાજપના સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે અમરેલી ખાતે હાજર રહ્યા હતા. તેમણે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે ઘણા પાટીદાર નેતાઓ ભાજપમાં નેતા છે અને ભાજપે જે નિયમ અનુસાર હોય તેટલા અંગે અનામત આપ્યું છે, જ્યારે કોંગ્રેસ ખાલી વાયદા સિવાય કંઈ કરતી નથી. રાહુલને ચૂંટણી સમયે જ મંદિર યાદ આવે છે તેવા પણ ચાપખા માર્યા. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને પ્રચારની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. હાલ આપણી સાથે અનુરાગ ઠાકુર જોડાયા છે, જે સૌથી લોકપ્રિય યુવા સાંસદ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના. સર, જો સૌરાષ્ટ્ર કી જો બેઠક હૈ, વિશેષ આપકે પાસ જવાબદારી હૈ, કિન મુદ્દો પે અગર 150 કા લક્ષ્યાંક હૈ તો કિન મુદ્દો પે જો સંગઠન હૈ આગે બઢ રહા હૈ, પ્રચાર મેં લગા હુઆ હૈ? મેં ગુજરાત કી ધરતી પર ખડા હું, જિસ ધરતી ને મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ, નરેન્દ્ર મોદી જૈસે નેતા દિયે. और ये मैं कह सकता हूँ, आज मोदी जी ने देश का नाम पूरी दुनिया भर में ऊंचा किया है. और आज गुजरात की जनता को इस बात का गर्व है, गौरव है कि मोदी जी यहाँ से हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं. हम गुजरात का चुनाव विकास पर लड़ रहे हैं और गुजरात का और विकास हो, मोदी जी के नेतृत्व में हो, ऐसा प्रयास है. और 150 प्लस का जो लक्ष्य है उसके लिए हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म, हर वोटर, हर पोलिंग बूथ, हर विधानसभा का महत्व है. आप ये नहीं कह सकते इसका वोट चाहिए, इसका नहीं चाहिए. हर व्यक्ति का आशीर्वाद और वोट चाहिए. और 150 प्लस को अगर करना है तो पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी है और मुझे पूर्ण विश्वास है 150 प्लस गुजरात देगा. अगली बार देश 300 प्लस सीटों से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा. जहां तक वो मंदिरों में जाने की बात करते हैं, ये वही पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो राम मंदिर का विरोध करती है. कांग्रेस ने कभी खुलकर नहीं कहा कि राम मंदिर का वो समर्थन करते हैं और राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए. तो राहुल गांधी जी का केवल दिखावा है मंदिरों में जाकर माथा टेकना. हमने इतने वर्षों में उनको कभी पहले जाते नहीं देखा, गुजरात में आकर वो कर रहे हैं. तीसरा, जहां तक वो इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं तो मुझे लगता है उनका ज्ञान बहुत कम है. वो कहते हैं 50 लाख लोग बेरोजगार हैं, एक घंटे में कहते 30 लाख लोग बेरोजगार हैं. अभी मुझे लगता है अगले 30 दिन के अंदर आ जाएंगे कि चंद हजार लोग बेरोजगार हैं. ये उन पहले भी उनके आंकड़े ऐसे ही रहे, जिनके पार्टी का प्रधानमंत्री बोफोर्स कांड में शामिल हो, जिस पार्टी की अध्यक्षा का नाम अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में हो, उनका बेटा ये कहे कि रफाल डील में नुकसान हुआ. मैं उनको कह दूं 16,200 करोड़ रुपया देश का बचाया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने.